ये हमने लगा लिया अपने पूरे फेस पे। यहाँ पे क्रियांश ले रहा है स्टीम। हमको हमारा पार्सल दिखा दो जो हम मंगवाए। क्रियांश के लिए बहुत सारा कपड़ा, कितना पैसा खर्च किया है? क्यों बताए, तुम बस खाली कपड़ा देख। शाम के बज रहे हैं 6 और क्रियांश जो सो के उठ गया और इतनी तबाही मचाता है वो आजकल की, मतलब क्या बताएं, बता नहीं सकते। सर में दर्द उठा देता है वो, इतना बदमाशी करता है। और उसका आदत क्या है कि कहीं भी चढ़ जाएगा वहां से कूद जाएगा, है क्रियांश? ठीक है। और हर एक सामान को फेंकेगा, इसका यही काम है। एक सामान सही जगह पर नहीं देखिए, वहां से रखा हुआ है सही से उसको उठाएगा और फेंक देगा, यही काम है इसका। अभी तुमने फिर से गंदा किया है सोफा, तो बहुत मारेंगे क्रियांश। आंखों पर से बाल हटाओ, दांत काटेगा मुझे। ये आपका बेटा इतना मनमाफ कैसे हो गया बताइए तो। अभी क्रियांश का एक पार्सल आया हुआ है, हमने बहुत सारे गर्मी के कपड़े मंगवाए क्रियांश के लिए। आ गया सारा, आ गया क्या? हाँ, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आप में से बहुत लोगों का कमेंट भी रहता है क्रियांश का कपड़ा कौन इतना अच्छा पसंद करता है, तो उसके पापा करते हैं सारा, वो खुद से ही सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा बहुत मैं करती हूँ, ज्यादातर वही करते हैं। तो अभी भी उसका बहुत सारा कपड़ा आया है, तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को एक एक करके। और क्रियांश क्या कर रहा है फ्रिज के पीछे, बहुत बदमाश है ये। क्रियांश का पार्सल आया हुआ है फर्स्ट ट्राई से, इसको ओपन करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हमारे जनाब कर रहे हैं कुछ काम, हाँ, बनियान में बैठ के। हो जाएगा कुछ देर में। काम करिए फिर उसको ओपन करेंगे। हाँ ठीक 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 करते हैं। A few moments later हम लोग लेकर बैठ चुके हैं पार्सल को, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जब भी क्रियांश का कोई कपड़ा आता है ना, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती हूँ उसको खोलने के लिए। और ये है नेमोलाइजर, क्योंकि अभी क्रियांश की थोड़ी सी तबियत हो गई है खराब, पूरी ठंड उसको हम लोगों ने बचा के रखा, और अभी जो है वो बीमार पड़ गया, गिर गया नीचे। तभी बज रहे जी रात के 9:30 और भूख भी लगी है बहुत तेज। यहाँ क्रियांश का खाना जो है तैयार है, उसके बाद हम लोगों की भी खाने की बारी है, तो पहले क्रियांश को एक बार खिला दिया जाए फिर हम लोग खाएंगे। यहाँ फिलहाल जो है साफ सफाई सब अच्छा चल रहा है। चलो क्रियांश को खिलाने के बाद, हाँ क्या अभी देगी बाद में, खिलाने के 1 घंटा बाद देते हैं। ठीक 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 ठीक, चलो वही करते हैं। यहाँ पे क्रियांश ले रहा है स्टीम और कार्टून देख रहा है साथ में। हाँ क्रियांश क्या पूरा एंजॉय कर रहा है, समझदार हो गया क्रियांश। कुछ ही देर का बात है बस, कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा। आताओ पापा, आताओ आताओ आताओ, मुझे पसंद नहीं है। तो क्रियांश ने स्टीम ले लिया और इसके बाद इसकी बारी है मालिश की। तो पापा उसके उसका कपड़ा खोल रहे हैं। आ क्रियांश मालिश होगा एकदम रगड़ रगड़ के, तब वो दूध पीता है, फिर उसके बाद वो थोड़ा देर खेलता है, फिर सो जाता है। क्रियांश क्रियांश एक क्रियांश। तो अभी रात के बज रहे हैं 11:30 और इस टाइम क्रियांश सो गया है। बहुत दिन से मैंने अपने फेस पे कुछ लगाया नहीं है, तो चलते हैं लगाते हैं। ये देख सकते हैं, ये मैंने फेस पैक बना के रखा है, इसमें मसूर दाल हल्दी, ये वाली हल्दी है वाइट हल्दी है, ये वाइट टर्मरिक, ये वाला मैंने मिला के छोड़ दिया था कि जब क्रियांश सोएगा तब लगाएं। और आज मंगलवार भी है तो कल बुधवार है, कल हेयर वॉश भी करना है तो तेल लगा लेती हूँ मैं, तो कल बाल धोना भी है। मैं हफ्ते में मैं 2 दिन बाल धोती हूँ और 2 दिन अच्छे से तेल लगा लेती हूँ। जैसे कि कल मुझे धोना है तो आज रात में ही मैं अच्छे से तेल लगा लूंगी अपने बालों में। और बहुत दिन से फेस पे कुछ नहीं लगाई थी, तो मैंने सोचा कि कुछ लगा लेती हूँ। बहुत फायदेमंद चीज होती है, अगर आपके फेस पे कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसे लगा सकते हैं। इसमें मसूर दाल को आप अच्छे से पीस करके घर में, ये नहीं कि मार्केट से बेसन ले आए और वो वाला यूज कर रहे हैं, नहीं, घर में पीस करके उसको अच्छे से, उसमें कोई भी हल्दी, अगर आपके पास व्हाइट हल्दी नहीं है तो नॉर्मल घर में जो किचन में यूज होता है किचन वाली हल्दी, और थोड़ा सा शहद, शहद बहुत जरूरी है, और नॉर्मल पानी या फिर आप रोज वाटर भी यूज कर सकते हैं, मिक्स करके आप हफ्ते में 1 या 2 दिन लगाइए, देखिए बहुत फायदा नजर आएगा। तो चलते हैं लगाते हैं। ये हमने लगा लिया अपने पूरे फेस पे, इसको हम सूखने तक छोड़ देंगे या फिर 10 से 15 मिनट छोड़ देंगे, उसके बाद नॉर्मल वाटर से धो लेंगे। The next day. राधे राधे, आप सभी को सुबह के बज रहे हैं 7 और मेरा बेटा उठ के फटाक से नीचे उतर गया है। आ गया जी क्रियांशी, क्रियांशी क्रियांशी, राधे राधे बोलो, राधे राधे।
बोले ना क्रियांशी जो है सुबह ही उठ गया और जो है उतरते ही सबसे पहले अपने पापा को बोला कि ऊपर में इसका बॉल है वो उतार के दीजिए। बॉल लिया और फिर अब जा रहा है खेलने के लिए। इसको मैं जब ये सोया रहता है उसी टाइम मैं दूध दे देती हूँ उसको कि सोए हुए में पी ले दूध। और उसके बाद उठता है तो ये दूध पीना बिल्कुल भी नहीं चाहता, कुछ खाना पीना चाहता ही नहीं है। तो दूध पी लिया एकदम मस्त, अब जाएगा ये नीचे और खेलेगा। अब मैं भी जल्दी से उठती हूँ, आज थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि रात में थोड़ा लेट सोए थे, क्रियांश भी लेट सोया था। जाती हूँ फटाफट से काम कंप्लीट करती हूँ। मुझे लग रहा है बाहर बारिश हो रही है। लल्ला बारिश हो रही है, बाहर बारिश हो रही है। कैसे खेलोगे तुम छत पे जाके, बारिश हो रही है। बुग्गा टी शर्ट को बंद करो। नो सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं नहा करके पूजा कर चुकी हूँ और क्रियांश को लेकर के मैं थोड़ी देर बैठी हूँ क्योंकि नीचे में चल रहा है काम और पतिदेव भी काम कर रहे हैं तो ये सबको परेशान कर रहा है। हाँ क्रियांश, तो मैं इसको लेकर थोड़ी देर बैठी हूँ फिर चलूंगी नीचे। क्रियांश को, क्रियांश देख रहा है टीवी। टीवी देख रहा है। साथ में मैं आप लोगों के लिए कुछ वीडियो एडिट कर रही हूँ। फेसबुक पे हमारा मिनी ब्लॉग आता है डेली, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर जा करके देखिएगा। मैं वहाँ पे मिनी ब्लॉग डेली डालती हूँ तो फटाफट से जाइए। हमारे पेज का नाम है जिया शाश्वत रॉय, यहाँ पे मैं डाल भी दूंगी तो आप लोग जाकर के देखिए हमारा मिनी ब्लॉग और कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगता है आपको हमारा मिनी ब्लॉग। कितना काम कर रहा है क्रियांश? बहुत काम कर रहा है एकदम। पापा का काम बिगाड़ने में बहुत काम कर रहा है क्रियांश। कीबोर्ड कैसे टिपता है ये? ये देखिए फटाफट से पटक कुछ लगा देते हैं तो देखो। आय हाय हाय कर दिया क्या रे। दबा क्या ये लो, डिंग 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 बहुत मजा आता है इसका। मजा वो पेन तो नहीं मिलेगा तुम्हें, सारा पेन फेंक देता है। आप देखिए देखिए, वाह 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 वाह, क्रियांश तो काम कर रहा है, बहुत काम करता है। यहाँ पर जो एक पार्सल आया हुआ है जिया का, तो देख सकते हैं जी। तो जिया अपना पार्सल देख लिए? देख लिया मैंने, बस आपको दिखाऊंगी ना। हाँ ठीक, कोई बात नहीं, हमको हमारा पार्सल दिखा दो जो हम मंगवाए। ये इन्होंने मंगवाया हुआ के लिए बहुत सारा कपड़ा। कितना पैसा खर्च किया है? क्यों बताए, तुम बस खाली कपड़ा देख। ये हमारे और बेटे के बीच का बातचीत है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो ये देखिए क्रियांश के लिए एक टी शर्ट आया, येलो टी शर्ट जो कि बहुत सुंदर है। पूरा खोलो मत, समेट के रखिए तो ऊपर से देख लेंगे। नहीं हम दिखाएंगे ना, हम भी देखेंगे ना। देखिए बहुत सुंदर टी शर्ट है एक ये, और इसके बाद एक पैंट है ये वाला देखिए बहुत सुंदर। आपने तो देखा ही होगा ऑर्डर करते टाइम। हमने तो देखा ही है और सामने से अब देख रहे हैं। ये ब्लैक पैंट है और ये जींस नहीं है, सॉफ्ट है। बहुत ही प्यारा है ये। और उसके बाद एक है टी शर्ट, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हाय निक। ये देखिए बहुत सुंदर। आप में से बहुत लोगों का कमेंट भी रहता है कि क्रियांश का ड्रेस कौन पसंद करता है, तो क्रियांश का ड्रेस उसके पापा पसंद करते हैं हमेशा। थोड़ा बहुत हम भी आइडिया देते हैं लेकिन ज्यादातर इन्हीं का रहता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखिए जी, ये ब्लैक कलर का टी शर्ट मुझे बहुत ज्यादा पसंद था क्योंकि आपके पास भी है तो सेम मैचिंग मैचिंग करके आप दोनों बाप बेटे ने लिया है ना। और ये देखिए जी, और यहाँ लिया है हमने समर के लिए, स्पेशली समर के लिए। इस टाइप का ड्रेस क्रियांश के ऊपर बहुत अच्छा लगता है। बस यही है कि तुरंत गंदा कर देता है। एक ये है और मल्टीपल लिया गया है। एक ये है, ये देख सकते हैं, और एक पहनने का देरी है, 2-3 महीना में डिस्कलर हो जाएगा। हाँ, ऐसे फर्स्ट ट्राई का कपड़ा जल्दी डिस्कलर नहीं होता है, ये भी बात तो है। इसलिए हम लोग ज्यादातर क्रियांश का फर्स्ट ट्राई से ही कपड़ा लेते हैं तो वो जल्दी डिस्कलर नहीं होता है। बाकी ये पैंट है, एक ये पैंट है तो प्यारा प्यारा पैंट है। एक येलो पैंट है इसके साथ, और ये तो सबसे ज्यादा प्यारा है, ये देखिए पूरा जानवर से बना हुआ है इसमें। और दिखाऊं, और सबसे ज्यादा जो प्यारा है ये है पार्टी वियर, देख सकते हैं जी समर के हिसाब से। बहुत मस्त, एकदम फंकी टाइप का लग रहा है। पूरा गोवन लग रहा है एकदम। गोवा में पार्टी करने वाला है। गोवा चलेगा ये एकदम। बहुत सुंदर। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सबसे ज्यादा प्यारा ड्रेस कौन सा आप लोगों को लगा। हमें तो सारा अच्छा लगा क्योंकि एक एक करके सेलेक्ट करके मुझे लगता है 2 घंटे में इसके पापा ने ये सारा ड्रेस सेलेक्ट करके खरीदा है, तो मुझे तो सारा अच्छा लगा और सबसे ज्यादा ये पार्टी ड्रेस मुझे अच्छा लगा। और आप लोगों को कौन सा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फिलहाल क्रियांश सो गया है तो उसके पापा यहाँ पे काम करे। वैसे भी क्रियांश सो या ना सोए उसके पापा तो काम करते ही रहते हैं। मैं आराम से चिल कर रही हूँ। आराम कर लो, सो रहा है। आराम नहीं करूंगी, अभी बहुत सारा वीडियो शूट करना है मुझे। ठीक है ठीक। तो बारिश हो रहा है बाहर में, देख सकते हैं एकदम बारिश हो रहा है।
सुबह ठंड जाने का नाम ही नहीं ले रहा है।